कुछ कर रहे हैं। चल रुचे कर। कौन? रुक रुक रुक। दो दे धीनल कूद। चल कर। नहीं बाल गंदे हो गए। कर। अरे पैर भी करने के होते हैं ना। मिट्टी दिख गई। जोजे। पी। देखो पी बनाया। उसका बन गया। पी का कोई वर्चस्व ही नहीं रहा। उधर बनाती हूँ आजा। सो जा पूरी। बाल गंदे नहीं होंगे। टोपी पहन ले। यहाँ पे मस्त बनेगा। जैनस बना तू बना। ये बन ले ना। कम या। ऊपर है। एक फोटो फाइल भी काढ़ी। कैम भी जा नहीं है बस। देखना मैंने कुछ लिखा है। ओके प्रेचा को सब्सक्राइब कर दो। फोटो फोटो पेट ऊपर घोड़ा कर दे। तो देखो ये लोग कैसा कर रहे हैं। फोटो ले लो। ये यहाँ पे घूमते घूमते आए थे ना। ये देखो ये जम चुका है। ये देखो मैं भी टच करूंगी। जम चुका है पूरा। करूं? कर देखना स्लिप मत हो जाना। ओह माय गॉड देख। अभी खा उसको। खा। देख खा। अरे खाई छे। ला रुचा। ऊपर वाला। पकड़। और ये लोग नया कांड कर रहे हैं। पकड़। रुचा गिर मत जाना अंदर वो पकड़ने के चक्कर में। और ये रुचा के साथ कांड होने वाला है। चल जयेश भाई पंच मार से। जयेश भाई पंच मारेंगे। सीधी रखना। इसका स्नोफॉल डुप्लीकेट स्नोफॉल चाहिए तो मेरे से कांटेक्ट करो। ये व्यू कभी नहीं भूलूंगा। बहुत बढ़िया। अब रेरा का दो बार गिरा है। बोलो सब दो बार गिरा ना। अब इधर तो कैसा गिरा था। हाँ, दो बार गिरा है। दो बार गिरा है। वो क्यों? इन लोगों को हंसाने के लिए कि थोड़ा कंटेंट हो जाए। ये लोग बोर हो रहे थे, थक गए थे। मैंने सोचा चलो हंसा लूं इन लोगों को थोड़ा। देख स्लीपर ही बर्फ है यहाँ पे। मेरे परमानेंट हाथों के निशान मैंने निकल लगा दिए। ये ऐसे देख रहा हो तो सीधा लगेगा। कितने बड़े हाथ है मेरे। ग्लव्स पहने हैं इसके लिए। ये देख ये भी जमा हुआ होगा थोड़ा थोड़ा। ये तो बहुत अच्छा है। चलो अब थोड़ी फोटो क्लिक करके फिर निकले। मैं गिर गई। जैनस ने स्कैम किया ना। हाँ। छोड़ दिया एकदम से उसको। वो बिचारी उसके भरोसे उसका वेट उस पे डाल रही थी। इधर डालो इधर अंदर। ये टूटना चाहिए जैनस भाई। ये बर्फ टूटनी चाहिए। नहीं सोचे तू। मैं ये ऐसे मत ले ठंडी है। जिनिया धक्को मार। अभी इधर पे मनाली की बर्फ क्या देखो। ये क्या देखो। और यहाँ पे जैनेश जिनल का पोपट करते हुए देखो। ये पूरा पानी जम गया। पानी में से निकल। मार उसके सर पे पटक। अभी मेरे को गर्मी लग रही है। मैंने इतना निकाल दिया है। अभी यहाँ से हम लोग जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी कितने बज चुके हैं। पौने चार तो तीन साढ़े तीन तो बज चुके हैं। और अभी हम लोग इधर ही है और इतना थक चुके हैं। गधे की तरह हाँफ रहे। गधे की तरह हाँफ रहे। पूछो ही मत। बहुत ही कहाँ जाते हैं पैडल। यस कितने बजे चले गए। हम लोग 12 बजे के अंदर थे।
उधर बहुत ऊपर तो मत ही जाना, अगर जाना तो वहाँ से कुछ करवा लेना, बहुत थक जाओगे नहीं, जैसे करा के क्योंकि धूप आ गई है। हम लोग तो धूप नहीं थी तब से आए, यहाँ तक बर्फ था, अभी बर्फ चली गई सब। जिनेश भाई थक गए नहीं भाई, जिनल की हालत खराब है, कहाँ गए जिनल, है ना जिनल, अभी अभी वापस जा सकते हैं, वापस जा सकते हैं। क्या क्या जिनेश भाई, अभी वापस जा सकता हूँ। अच्छा, लेकिन ये बंद हो जाता है। अब ये बंद नहीं होता, सभी अभी आ रहे हैं। कोई नहीं, अभी कैब वाले भैया को ढूंढते हैं, वो यहीं पे कहीं पे खड़े। एक तो यहाँ पे मोबाइल का टावर नहीं है, उनको ढूंढना पड़ेगा, फोन करे तो फोन करे भी कैसे। और ये रुचा ने मेरे बाल का तो ऐसे करंट लगाओ ऐसा बना दिया है। हाँ भाई, मेरे हाथ दुखे, सॉरी, मैं कैमरा हैंड ओवर कर रही हूँ प्रेरक को। आप लोग हालत देख के समझ सकते हो कि सबकी हालत टाइट हो गई है, सबसे ज्यादा हालत टाइट हुई थी जिनल की। ओह भाई भाई भाई, तो अभी खराब हुई थी हालत। फाइनली रोहतांग पास को बाय बोल रहे हैं। मजा आया भाई, चलो एक एक्सपीरियंस, चलो लेकिन वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ये। आपको अगर सच चीज बताए तो नीचे से कभी राइड मत कर, वो बात बाद में करते हैं। अभी अभी पहले तो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, यहाँ से 17 किलोमीटर नीचे की ओर अटल टनल के लिए। लेकिन बीच में रवि भाई हम लोग कहाँ पे लंच के लिए रुकेंगे, कुकसर में हम लोग लंच के लिए रुकेंगे। तो अभी चलो कुकसर में, और ये लोग अभी चलो बाय बाय बोल दो सबको। बर्फ तो बहुत मजा आया था। और ये भी कोई यहाँ पे बुद्ध टेंपल जैसा ही है ना रवि भाई, ये बुद्धिस्ट टेंपल है। यहाँ पे बुद्धिस्ट टेंपल बहुत है, हिमाचल वालों बुद्धिस्ट को ज्यादा मानते हैं। हिमाचल वाली मत तेरी मारी, वैसा कोई गाना भी है ना। चलो कोई नहीं, यहाँ से और यहाँ से ये एक व्यू, एक बार आप लोग आखिरी व्यू देख लो। अगर कल हमारा नसीब अच्छा हुआ तो हम आपको इससे भी बढ़िया और मोटी और तगड़ी वाली स्नो दिखाएंगे। और अगर रास्ता खुला रहा चलने के लिए नहीं रहेगा। हाँ वहाँ पे कोई नहीं, लेकिन सिर्फ दिखा तो पाएंगे ना रवि भाई, रुको फोकस करता हूँ। हाँ ये देखो, मेरी हाइट जितनी बर्फ है लगभग 5-5 फुट। हाँ, जैसे कि प्रेरक ने बोला था कि रास्तों में भी बर्फ होगी, वो भी हुआ। चलो ये अपना आप लोग आखिरी व्यू ये देख लो, फिर आपको सीधा मिलते हैं हम लोग खुकसर में लंच पे। खोक्सर में और मेरे भाई को तो ठंड लग गई, जिनल को भी लग गई, रुचा को भी लग गई। आपके भाई को नहीं लगी, अंदर कुछ पहना नहीं है, सिर्फ ये जैकेट है। और अभी खोक्सर आए तो यहाँ पे खाएंगे दाल चावल, राजमा चावल, या तो फिर मोमोज। इतनी ऊंचाई से बराबर वहाँ पे थे, उतनी ऊंचाई से सीधा जमीन पे, अभी नीचे जाना है, वहाँ पे थे। चलो 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 फटाफट ऑर्डर दे दो। तो आए अभी तक के मनाली का सबसे बेस्ट लंच या खाना जिसको मैं बोलूँगा, एकदम अच्छी दाल चावल कभी मैंने नहीं खाया है सच में। टच वुड बहुत अच्छे थे, ये देखो आप पीछे देख सकते हो, एकदम नॉर्मल सा ढाबा था। रवि भाई को मैंने बोला, लेकिन रवि भाई ने बोला प्रेरक भाई आप खाओ, मेरी जिम्मेदारी, आपको बहुत मज़ा आएगा। खाया और टच वुड स्वाद मुंह पे रह गया है। अभी आगे जाएंगे अटल टनल के लिए, यहाँ से निकलेंगे तो अटल टनल पहुँच के ही फिर दिखाता है आपको कैसे क्या होता है। अगर बीच में कुछ दिखा दिखाने के लायक तो दिखा देंगे आपको। जा रहे थे और एक ये रिवर है यहाँ पे, आपको दिखेगी ब्रिज पे से हम पास करेंगे तो,
ये वाली पूरी रिवर है ये, तो ये रिवर यहाँ से निकलते पाकिस्तान जाती है। रवि भाई जरा इसके बारे में बताओगे, इसका नाम यहाँ पे क्या है? नदी का नाम चंद्रा है जी। हाँ जी। चंद्रा रिवर है ये, चंद्रताल लेक से आ रही है। ओके। और ये आगे जाके चंद्रभागा बन जाती है, दूसरी एक और रिवर इसमें हो जाती है, एड हो जाती है, मर्ज होती है। हाँ, तो ये वाला ये पानी आपका आगे जाके इस नदी का नाम चिनाब पड़ता है और ये पानी पाकिस्तान जाता है। ओके। और यही नदी के साथ साथ ही अपना स्पीति वैली भी आता है, पूरा भी आता है जी, ये चंद्रताल लेक से आता है, चंद्रताल लेक से। ओके। सो भाई घूमने का बहुत सारी चीज है मनाली में। रवि भाई का नंबर भी मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, देख लेना, कभी भी मनाली आओ तो उनका कांटेक्ट करना। वो ड्राइविंग के साथ साथ वो गाइड भी सब समझा भी देते हैं, कैब भी करते हैं और साथ में गाइड भी है टूरिस्ट गाइड, तो आपको मजा आएगा। बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा टूवर्ड्स टू अटल टनल। अपन ने रवि भाई ने एक और इंटरेस्टिंग चीज बताई कि ये वाला जो पूरा अपने को हिल दिख रहा है, पर्वत जो भी ये पूरा दिख रहा है ना, उसी के अंदर से ही अटल टनल क्रॉस हो रही है, इसीलिए उसको बनाने में 12 साल लगे हैं। ओ भाई, भाई 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 भाई, ये सही इन्फॉर्मेशन दे दी रवि भाई आपने, ये पता नहीं था। 9.5 किलोमीटर की पूरी टनल है और ये पूरे ये वाला पर्वत पूरा निकाला हुआ है। ये जो ये मेरी उंगली है ना, हाँ बस ये यहाँ पे जो ये शेड आपको दिख रहा है वो है पूरा अटल टनल का एंट्री वहाँ से होगी और फिर ये पूरे माउंटेन से अटल टनल 9.5 किलोमीटर की पूरी टनल है। ये दूर से अपना अटल टनल कुछ ऐसा दिखता है, पूरा ये माउंटेन, बीच में ब्रिज भी है। हाँ, ये रिवर जा रही है ना ये बोला, वो तो वो रिवर क्रॉस करके अटल टनल आएगा। सच में 12 साल बहुत लंबा टाइम होता है, 12 साल। भैया ने बोला ये रिवर चंद्रा ब्रिज और वो रही सामने हमारी अटल टनल। ये अभी वहाँ पे खड़े रहेंगे, फोटोज वोटोज भी क्लिक कराएंगे, वीडियोस भी शूट कराएंगे। रवि भाई आपको फोटो खींचने आते हैं? बताएंगे तो भैया खींचवा। हाँ बस आप खींच लो, हमारे चार की एक भी फोटो साथ में नहीं है इसके लिए। ये रही जी अटल टनल, अटल टनल रोहतांग नॉर्थ पोर्टल, BRO creates, yes, बहुत बढ़िया। ना हो गया अटल टनल का एंट्रेंस गेट, उस तरफ हम लोग क्रॉस करेंगे 9.5 किलोमीटर अटल टनल पूरा। और अटल टनल बना है 10,075 फीट पे। अभी यहाँ पे फोटोज क्लिक करवाएंगे। टनल से एंटर कर रहे हैं 9.5 किलोमीटर। थोड़ा मैं नॉर्मल वीडियो रखूंगा, थोड़ा टाइम स्लैप रखूंगा। ये कोई भी एंगल से आपको दिख रहा है कि पूरा पर्वत के नीचे से ये टनल बनाया हुआ है, ऊपर से भी नहीं दिख रहा है। जरा देखो सिर्फ। एक चीज अगर आप किसी को पता नहीं हो तो यहाँ पे हर 200 या 250 मीटर के अंदर अंदर एमरजेंसी एग्जिट भी दिया हुआ है। अभी अगर एमरजेंसी एग्जिट फिर से आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। और पूरी की पूरी टनल जर्मन टेक्नोलॉजी से बनी हुई है। वाओ। ये अटल टनल 9.5 किलोमीटर या 9.8 किलोमीटर की खत्म हो रही है और अब हम लाहौल डिस्ट्रिक्ट से कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में फिर से एंटर कर रहे हैं मनाली के लिए। और यहाँ पे एकदम प्यारे से लिखा हुआ है थैंक्स एंड विजिट अगेन, अगर मौका मिला तो जरूर साथ में आएंगे दूसरी बार। रवि भाई ये क्या है? ये वाला जो एरिया रहता है ना, हाँ, यहाँ पे जो ये यहाँ का लैंड है ये स्लाइड होता रहता था। ओके। तो इसमें ये बोल्ट लगाए हैं ताकि
ओके लैंडस्लाइडिंग ना हो उसके लिए ना हो जैसे आगे देखिए जैसे आगे हो रहा है ना हां उसी के लिए ये बना है जी बोल्ट इसके अंदर पड़ते हैं ओके गाड़ी चेक करो ये देखिए ऐसा रहता और ये बर्फीले पहाड़ दिखते हैं फिर से हमें और पेड़ भी स्टार्ट हो गए पाइन ट्री और हां पाइन ट्री जो भी है सारे स्टार्ट हो गए ओके यहां पे पाइन ट्री काटना बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड माना जाता है मतलब आपको सीधा खून के इंजाम जैसा ही यहाँ पे ट्रीट होता है अगर मनाली में कोई पाइन ट्री काटेगा तो बराबर ना रवि भाई जी सही है होना चाहिए थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आप लोगों को देख रहा है ना ये नमक है ना और कुछ है ये अटल टनल जब बन रही थी तब वहाँ पे ये उसका वर्कशॉप था इसकी वजह से यहाँ से पूरा ही मटेरियल अटल टनल के लिए जाता था ऐसे व्यू के साथ वर्कशॉप हो तो काम करने का भी कितना मजा आए भाई वो जो करता है ना उसी को पता चलता है इधर तो अभी चढ़ के आए ना अपन लोग देखा नहीं ये उल्टी नदी होटल पे आ गए हैं आज का हमारा डे टू एंड हुआ आज हमने रुचा क्या क्या देखा रुचा को याद भी नहीं होगा चल जो जो याद है वो बोल और रोहतांग वैली देखी रोहतांग पास बोल रोहतांग पास देखा उसके बाद अटल टनल देखी उसके बाद सोलंग वैली देखा हाँ। बस अभी फिर ऑटो ला गए वहाँ पे बहुत सारा स्नो देखा हम लोगों ने बहुत मजा आया राइड्स वगैरह भी की लेकिन सीरियसली बोलूं वहाँ जाके मत करना वो क्यों क्योंकि उसमें होता क्या है कि अभी देखो हमारा भी जो गाइड था ना उसने अपने हिसाब से सही सजेस्ट किया था कि अगर वहाँ पे रश ज्यादा होगा ना तो वहाँ के आपको लूट लेंगे बराबर वो अपने हिसाब से सही था लेकिन टचवुड अगर मैं आपको बता रहा हूँ हम लोग नीचे से करवा के गए थे हम लोग स्टार्टिंग से करवा के गए थे वहीं से हम लोगों ने आपने आगे का वीडियो में देखा होगा हमने स्की किया और वो सब किया तो उसका पूरा पैकेज हम लोग नीचे से ही लेके गए थे पर टचवुड मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप नवम्बर के स्टार्टिंग में आ रहे हो जैसे कि हम आए हुए तो नीचे से कुछ भी करवा के मत जाओ ना स्नो सूट भी लेके मत जाना जरूरत ही नहीं पड़ती वहां पे जरूरत आपको हम लोग गए ना लिटरली हम लोगों को पसीने हो रहे थे वो पहना हुआ था तो थर्मल भी नहीं पहना था फिर भी हाँ। तो अगर आप लोग को बहुत सारी स्नो पड़ती है स्की भी कैसे कि उन लोगों का ऐसा होता है कि भाई अनलिमिटेड अब आप कर ही नहीं पाओगे इतनी छोटी सी जगह में बर्फ होती है yes, exactly. बराबर और उतनी जगह पे रश बहुत ज्यादा होता है करने वालों का और बोल रहे थे कपल का पैसा ले लिया लेकिन कपल में किया या ही नहीं बोल रहे आखिर में फोटो क्लिक करवाने के लिए आना चलो एक बार ठीक है लेकिन वहां पे हम लोगों को सीरियसली में स्की करना था हमको एक एक्सपीरियंस करना था पर वहां पे 90% ऑफ पीपल सिर्फ और सिर्फ फोटोज क्लिक कराने ही आते हैं और कुछ नहीं, अगर नहीं आपको जाना है तो बहुत सारी बर्फ पड़ती है ना जब मनाली के रास्तों में भी आपको बर्फ दिखे तब तो आप नवंबर एंड यानी कि दिसंबर का फर्स्ट वीक से लेके फरवरी तक आप जा सकते हो और मैंने आगे भी आपको बोला था और यहाँ पे भी मैं हमारे जो गाइड थे रवि भाई उसका नंबर स्क्रीन पे डाल दूंगा जब कभी भी आप ये कोलैबोरेशन नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पसंद आया हमें पसंद आया इसके लिए दे रहे हैं आप कभी भी आओ हमारे चैनल का नाम उनको देना उनके पास हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी है तो आप उनसे सजेस्ट कर सकते हो वो टूरिस्ट गाइड अच्छा भी है और साथ ही साथ में वो टैक्सी भी चलाते हैं और बहुत बढ़िया एकदम स्वीट यंगस्टर है हमें मजा आएगा उनके साथ ब्रो सो चलो आज का दिन हमारा यहीं पे एंड होता है मिलते हैं आपको कल बहुत थक गए सुबह 6 बजे के उठे अभी रात को 7:30 बजने को आए 7:30-8 सो जाएंगे कल का प्लान कुछ फिक्स नहीं है अगर स्नो ऊपर कम हुई होगी और रास्ते खुले होंगे तो कल आपको इससे भी ज्यादा स्नो दिखाएंगे और अगर नहीं खुले होंगे तो फिर कुछ एक्टिविटीज करेंगे या तो कोई नया सिटी का अभी वो कल 9 बजे पता चलेगा हम कल कहाँ जा रहे हैं ऊपर मेरी जहाँ पे जो पास लगे हुए होते हैं वहाँ पे मेरी बात हुई है मेरे को रवि भाई ने ही नंबर दिया था जो कि हमारे गाइड है उन्होंने यही बताया कि स्नोफॉल आज दोपहर तक भी कंटिन्यू चालू ही थी अगर कल सुबह तक स्नोफॉल नहीं हुई तो 1 या 2 घंटे में स्नो रोड पे से हटा देंगे और श्रृंखला पास ओपन कर देंगे जो कि श्रृंखला पास है मिनिमम टू मिनिमम 18,000 से 20,000 मीटर की हाइट पे है तो वहां जाएंगे हाँ मनाली से वहां जाने के लिए 6 घंटे लगते हैं और रास्ते में आपका जिस्पा सरचू अटल टनल सब फिर से डिस्कवर भी होगा वो भी देखेंगे और मजे करेंगे तो कल का अभी तो कल ही पता चलेगा
बाकी टिल देन गुड नाइट गाइस.